subscribe my channel and like this. ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर तो देखते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसका प्रॉब्लम्स क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम साइन थीटा बराबर बोले थे पी वाई एच, कोस थीटा बराबर बोले थे बी वाई एच, टैन थीटा बराबर बोले थे पी वाई बी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर बी वाई एच, एच वाई पी। सेक थीटा बराबर होता है एच वन बी, कोट थीटा बराबर डी वाई पी। टैन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है पी वाई बी, पी को इस तरह से लिख देते हैं पी वाई एच अपॉन बी वाई एच, क्योंकि एच एच कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसको पी वाई एच को क्या लिखें साइन थीटा, साइन थीटा बटे बी वाई एच को क्या लिखें बी वाई एच को कोस थीटा, तो कोस थीटा। तब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा फॉर्मूला आ गया साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। इसी तरह से टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का फॉर्मूला भी हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक इसको नोट्स करो। एक जगह पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को जितना पढ़ो उतना एक जगह समराइज करते हैं। क्या क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर पी वाई एच, साइन थीटा बराबर पी वाई एच, कोस थीटा बराबर बी वाई एच, टैन थीटा बराबर पी वाई बी, कोट थीटा बराबर बी वाई पी, सेक थीटा बराबर एच अपॉन बी, कोसेक थीटा बराबर एच पी। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोले थे वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। केसी सिन्हा के 8.1 में ये पूरा फॉर्मूला यूज होगा, तो केसी सिन्हा का 8.1 खत्म हो जाएगा। और साइन ए जैसे सम सिंबल, सिंबल साइन ए ये एक संकेत है, ये एक संकेत है नहीं कि साइन और ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। ये तो हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके थे कि साइन ए एक दोनों आपस में गुणनफल में नहीं, ये एक संकेत है, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स करो इसको। उसके बाद हम केसी सिन्हा का प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसे
जैसे क्वेश्चन कोई दे दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा दे रखा, ये ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टैन सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये सब निकालना इस ट्रायंगल से। क्या बोले थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसे ये राइट एंगल के राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे, इस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे, जो बच गया उसको आधार बोलेंगे, आधार बोलेंगे। फिर से एक बार समझ लो, राइट एंगल के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है उस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे, जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। अगर ये एंगल बीटा है, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोलेगा लंब कौन है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि इस एंगल के सामने वाले साइड ये पड़ रहा, तो ये इस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलते हैं और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाले साइड हमेशा फिक्स होते हैं। राइट जैसे और एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करते हैं, ये एंगल बीटा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, इसे बोलेगा ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल के सामने वाले साइड को राइट एंगल के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो इस एंगल के बारे में अगर बात करेगा तो इस एंगल के सामने वाले साइड को इसको लंब बोल देंगे और जो बच गया उसको आधार बोल देंगे, आधार बोल देंगे। अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो इस एंगल के सामने वाले साइड को लंब हो जाएगा, जो बच गया वो आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसका प्रॉब्लम तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा थीटा के इसमें लंब ए बी हो जाएगा, लंब ए बी अपॉन ए सी कर्ण हो जाएगा ए सी। कोई दिक्कत, लंब ए बी हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, तो कोस थीटा इस एंगल के बारे में बात कर रहा, तो इस एंगल के सामने वाले लंब हो जाएगा, जो बच गया वो आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा समकोण वाले सामने वाले साइड वाला होता है कर्ण, तो इस आधार क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी, ए सी बी सी अपॉन ए सी। इसी तरह से कोट के कोट का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा आधार, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलते हैं, जो बच गया उसको आधार, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी अपॉन लंब बोल रहा लंब ए बी, बी सी अपॉन ए बी। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते, तो कर्ण ए सी हो गया, कर्ण ए सी डिवाइडेड बाय लंब क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए लंब ए बी हो जाएगा, ए बी। इसी तरह से टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या इस एंगल के लिए लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, लंब
लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। इसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाता आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण क्या, एसी, एसी डिवाइडेड बाय आधार क्या, बीसी, आधार क्या बीसी। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाले साइड को, राइट एंगल के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं। और ये दोनों जो न्यून कोण बच गया, अगर इस न्यून कोण के बारे में बात करेगा तो इसके इस न्यून कोण के सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे, अगर इस न्यून कोण के बारे में बात किया तो इसके साइड सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे, और जो साइड बच गया उसको आधार बोल देंगे, आधार बोल देंगे। इसके रिस्पेक्ट में ये लंब होगी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड लंब हो गया, तो जो बच गया उसको आधार बोल देंगे। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको नोट्स करो। क्वेश्चन देते हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या बोल रहा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या क्या बोला, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ये हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। और क्या क्या पूछा हमसे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। किसी भी एक्यूट एंगल को हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिए हमको, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया कर्ण, कर्ण हमको पता नहीं, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता, दो भुजाओं के स्क्वायर को तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बीसी बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो एसी बराबर अंडर रूट 16
25 अंदर रूट 25 इसलिए एसी बराबर 5 सेंटीमीटर एसी बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर एसी बराबर 5 सेंटीमीटर इसलिए साइन थीटा बराबर लंब लंब कितना है लंब 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कर्ण कितना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म इसलिए 4/5 sin थीटा का वैल्यू का मान कितना गया 4/5 sin थीटा का मान कितना गया 4/5 इसी तरह से tan थीटा लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटे आधार तो लंब कितना 4 सेंटीमीटर लंब कितना 4 सेंटीमीटर आधार कितना 3 सेंटीमीटर 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 खत्म 4/3 इसी तरह से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर आधार बटे लंब आधार कितना 3 सेंटीमीटर आधार कितना 3 सेंटीमीटर लंब कितना 4 सेंटीमीटर कितना आ गया 3/4 चूंकि हम जानते हैं tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है तो tan का उल्टा cot कोट का उल्टा टेन का उल्टा कर दो 4/3 है इसका उल्टा कर देंगे कोट हो जाएगा देखो आ भी गया sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार आधार कितना है 5 सेंटीमीटर दिया 5 सेंटीमीटर बाय लंब आधार कितना है 3 सेंटीमीटर 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 खत्म ले 5/3 आ गया 5/3 cos थीटा बराबर निकाल लो क्या था आधार बटे कर्ण आधार कितना है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर 3/5 इसी तरह से cosec थीटा बराबर क्या होगा जाएगा क्या होता आधार बटे लंब आधार बटे लंब आधार कितना है 5 सेंटीमीटर लंब कितना है 4 सेंटीमीटर 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 खत्म तो 5/4 आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ठीक इसको नोट्स करो अब हम लोग K.C SHINA का 8.1 एक्सरसाइज देखेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है If a right angle triangle, if a right angle triangle, if a right angle triangle, triangle ABC, ABC, in which angle A बराबर 90 degree, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, then Find the value of the following. बोल रहा है इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री देन ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग नंबर वन
साइन भी, नंबर भी, नंबर वन, नंबर टू, कोस भी, कॉस भी, नंबर तीन, नंबर थ्री, टैन भी, टैन भी, नंबर फोर, नंबर फोर, साइन सी, साइन सी, नंबर फाइव, टैन सी, नंबर सिक्स, कॉस सी, कॉस सी। आप लोग इसको ट्राई करें, क्या बोला है? इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग साइन सी, साइन बी, कोस सी, कोस ए। चलो इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल एंगल ए क्या बोला 90 डिग्री, एंगल ए को 90 डिग्री कर दिए। अब क्या बचा? बी और सी, बी और सी अपन कहीं भी ले सकते हैं ये दोनों को। इसको बी मानेंगे तो इसको सी मानना पड़ेगा, अगर इसको सी मानेंगे इसको बी मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर। एसी बराबर कितना दे रखा? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। नंबर एक में क्या पूछा जा रहा है हमसे? नंबर एक में क्या पूछा जा रहा है? साइन बी। नंबर एक में क्या पूछा जा रहा है? साइन बी। साइन बी बराबर लिखो फॉर्मूला, क्या बताए थे? साइन बी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे साइन बी बराबर क्या बताया था? लंब बटे आधार। तो लंब इस एंगल में लंब क्या? साइन बी। बी कहाँ? बी यहाँ, इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, इस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे। ये तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उस एंगल के सामने वाले साइड को लंब बोलते हैं। इस एंगल के साइड में सामने वाले साइड क्या? एसी, एसी अपॉन एंगल आधार। कर्ण कितना हो जाएगा? बी सी, बी सी। तो एसी कितना दे रखा? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और बीसी कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 12 अपॉन 13। साइन वीवर का वैल्यू कितना आ गया? 12 अपॉन 13। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दो क्या पूछ रहा है? कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? इस एंगल बी के लिए आधार कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बीसी, बीसी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुण 13 आ गया कोस बी का वैल्यू। इसी तरह से सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टैन सी आ गया, टैन सी इक्वल टू टैन सी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, टैन सी बराबर लंब बटे आधार। तक एंगल सी के बारे में बात कर रहा है, एंगल सी के लिए लंब क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, आधार क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो लंब क्या? 5 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, 5/12। कोई दिक्कत? नोट्स करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल,
पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल पी इन विच एंगल पी इन विच एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री OP इक्वल टू 7 डिग्री OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सी द फिगर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू इसका कोई दिक्कत, इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल OPQ इन विच एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री OP इक्वल टू 7 डिग्री 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सीधा फिगर क्या बोला, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंगल P 90 कर दे, अब क्या बचा O और Q मान लिए। OP इक्वल टू कितना दे रखा, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड गिव सॉल्यूशन। तो गिव एंड क्या है मेरे पास, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ हमको पता नहीं है, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको सेट हो गया, इसको तोड़ सकते हैं। OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ इक्वल टू OP कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और Q माइनस PQ तो वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो OQ प्लस PQ इक्वल टू इंटू 1 इक्वल टू 47। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन वन प्लस टू कर देते हैं क्या यहाँ से आ रहा है, OQ टू OQ इक्वल टू PQ तो खत्म, तो 48 50, तो OQ बराबर कितना आ गया 25, OQ बराबर 25 आ गया, OQ बराबर कितना आ गया 25, OQ बराबर 25, O put the value of OQ
तीन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो ओ क्यू का वैल्यू 25 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो पी क्यू इक्वल टू इधर आ जाएगा 24। आप वैल्यू किसी का भी निकाल सकते क्योंकि ओपी पता है, पीक्यू पता है, ओक्यू पता है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका पूछ रहा है साइन क्यू इक्वल टू क्या बनाए थे, ये फिगर था, ये पी था, ये क्यू था, ये ओ था, तो पी क्यू 24, ये 7 है, ये 25 आया था। तो क्यू के बारे में बात कर रहा तो क्या क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब इस एंगल के लिए लंब कितना 7 अपॉन 25। इसी तरह से कोस क्यू इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना 24 बाय 25, कोई दिक्कत नहीं। बस आज के लिए इतना ही।